हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी फायर ऑपरेटर 18/19 जो आपका ई डोजियर लिंक अवेलेबल है अभी, और ई डोजियर के बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अभी आपका रिटन का आ चुका है, आपका पीएसटी जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, और आपका ड्राइविंग का मतलब टोटल आपकी जो कट ऑफ रही है वो जनरल की 184 रही है। देखिए, ये है पोस्ट कोड 71/2014, मतलब 71/14 की ये वैकेंसी है, और ये जो नोटिस है ये 16/11/2017 का, 3 साल लग गए थे इस रिजल्ट में। 803 वैकेंसी थी यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे रोल नंबर है, ये नेम है इनका, ये डेट ऑफ बर्थ है, और उस टाइम पे ये टोटल मार्क रिटर्न प्लस पीईटी प्लस ड्राइविंग के 231.38 यहाँ पे मार्क्स थे। इस लिस्ट में देखेंगे 200 से ऊपर सबके मार्क्स हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे चलते हैं हम, ये वो सारी लिस्ट है जो सिलेक्टेड हैं, 141 ओनली यहाँ तक हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द अबो 357 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए थे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए गाइस। मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ देखनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे उस टाइम पे पहले फिजिकल नहीं हुआ था, पहले रिटर्न टेस्ट हुआ था, बहुत सारे बच्चे पहले ही बाहर निकल गए थे तब यहाँ पे फिजिकल हुआ था। आपका पहले फिजिकल हुआ है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट हुआ है। ये देखिए, इनका 221 यहाँ पे रहा है स्कोर, बाकी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। अब आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसके अलावा एक दो और नोटिस दिखाती हूँ प्रीवियस के। ये जो नोटिस है ये है 18 का, हम 17 का पढ़ के आए हैं, और ये 18 का नोटिस है, मतलब 2018 का, 10/10/10 अक्टूबर 2018 का। इसमें लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट इन यूआर कैटेगरी टोटल 112। इसमें भी देखिए, दिनेश मान जो ये कैंडिडेट है, 221.42 इनके मार्क्स आए। एलिजिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डीएल इशूड फ्रॉम दिल्ली थ्रू द एड्रेस एज पर एप्लीकेशन फॉर्मेट्स दिल्ली। ये वो है ड्राइविंग लाइसेंस का इन्होंने बोल रखा है। दीज आर द सेलेक्टेड कैंडिडेट। मैं आपको क्या शो ऑफ कराना चाह रही हूँ कि इस बार कट ऑफ अगर आपकी जाएगी तो कितनी जाएगी मैक्सिमम, और कितनी बढ़ सकती है। ये एससी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, 178, 164, 163 डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली, तो लास्ट कैंडिडेट के 134। और अगर हम जनरल कैटेगरी से यहाँ पे बात करें, ये ओबीसी कैटेगरी के लास्ट के कितने हैं भाई, लास्ट वाले के हैं 166, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये 173 है यहाँ पे ओबी यूआर के, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये है एसटी कैंडिडेट, 136 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, एंड द फॉलोइंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। ये नॉट एलिजिबल है, देखिए यहाँ पे, थ्योरी में फेल हो गए, ड्राइविंग में फेल हो गए, मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, 210 नंबर आए, 200 आए, 192, 189 ये कुछ आए, लेकिन फेल हो गए थ्योरी में। हमें इनसे कुछ नहीं करना है, जनरल कैटेगरी के हैं ये सारे, वो हैं फेल हो गए, डिड नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट, इन्होंने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए। बाकी मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे थ्योरी और ड्राइविंग में फेल हो गए हैं, एबसेंट रहे ड्राइविंग में, ये इनका रिमार्क्स है। तो आपका भी ऐसे ही आएगा, ये आएगा आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स लगेगा। इसके अलावा एक और लिस्ट देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये वाली लिस्ट, 71/14 और 2/12/2020 का ये नोटिस है। ये जो नोटिस है इसमें ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहने का मतलब है ये बाद में आया था ये रिजल्ट। ये यूआर कैटेगरी से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ये यहाँ पे कोर्ट केस के थ्रू यहाँ पे ये रोल नंबर दिखाए गए हैं। मैं आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ, यहाँ पे प्रीवियस कट ऑफ जो रही, द मार्क्स ऑफ द लास्ट प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी आफ्टर द रिजल्ट एज द फॉलो। यूआर की 177, ओबीसी 163, एससी की 134 और एसटी की 131। ये कैंडिडेट, ये कट ऑफ रही वहां पे। अब आप देखिए अपनी, ये देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन का है, 706 वैकेंसी उस टाइम पे, 803 वैकेंसी थी। इसमें आपकी जनरल की हैं 190, ओबीसी 115, एससी की 309 वैकेंसी हैं भाई, एसटी की 71 और ईडब्ल्यूएस की 21 वैकेंसी हैं। रेशियो देखिए कैसे हैं, यहाँ पे आपका 33% का एग्रीगेट है। देख लीजिए अब आपको क्या क्या यहाँ पे आपने फिल किया था और क्या क्या यहाँ पे डालना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ मैट्रिक मांगा गया था, यहाँ पे आपका ड्राइविंग हैवी लाइसेंस होना चाहिए था।
उसके अलावा नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये सिलेबस है, हम चलते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस पे। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं काम आने वाली हैं, जो आपको कन्फ्यूज़न है वो यहाँ से दूर हो जाएगी। एक सेकेंड, आई एम जस्ट वॉचिंग हेयर, वेयर इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये एज रिलैक्सेशन है, ये रिजर्वेशन बेनिफिट है, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, यहाँ पे 10th ही मांग रखा होगा और कुछ नहीं है। दिस इज़ द सिलेबस एंड मोड ऑफ सेलेक्शन। यस, ये सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू वन टायर एग्जामिनेशन स्कीम है, PET है आपका। और उसके अलावा क्या है भाई, एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश में होगा, 33% का एग्रीगेट होगा आपका PST का। उसके अलावा आपका जब ड्राइविंग का जो टेस्ट हुआ था उसमें आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी हुआ था। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ रही वो रही जनरल की 184 कट ऑफ। ये देखिए, मिनिमम मार्क्स फॉर ई डोजियर पर्पस आउट ऑफ 300 मार्क्स, क्योंकि 200 मार्क्स का तो आपका पेपर ही है। और आपका जो ये ड्राइविंग स्किल का जो हुआ है, आपकी जो पेपर की जो कट ऑफ गई थी ना जनरल की, वो क्या गई थी कि आपकी 150 अबव रही थी, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं तो हो सकता है मुझे याद ना हो, और उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई भी थी, हो सकता है भाई बाय मिस्टेक में से मेरे को नहीं पता हो। लेकिन अभी जो UR की जो कट ऑफ है, ये UR है जनरल कैटेगरी, यहाँ पर 184.67 जो कट ऑफ रही है, ये आपके E-Dozier के लिए रही है। मतलब इतने लोगों का E-Dozier मांगा गया है, आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। EWS की काफ़ी कम रही है एज़ कम्पेयर टू जनरल, और EWS और OBC की बिल्कुल मतलब नियरली पास ही है, ये 98 है, वो 48 है, क्योंकि EWS की वैकेंसी भी बहुत कम है। SC की वैकेंसी ज़्यादा है तो 129 और ST की 136। अब आप यकीन मानिए, अगर आपने DSSSB के बहुत सारे रिजल्ट्स को और भी अगर नोटिस किया हो, तो मैंने किया है, और E-Dozier के बाद जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी, अगर ये 184 है, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रही हूँ कि 10 मार्क्स और ऐड हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। ये मैं जनरल की बात कर रही हूँ, आप इनमें सब में 10-10 करके चलिए, 9 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है। मतलब ज़्यादा कट ऑफ अगर बढ़ेगी तो, अगर जो 200 के राउंड ऑफ स्कोर कर रहा है, जो अगर 192-193 भी अगर UR से है, तो ही इज़ डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, यू आर 100% सेलेक्टेड हेयर इफ योर स्कोर इज 192-193 नियर बाय दिट्स। ठीक है, तो गाइज सब में ना बढ़ा दीजिए, EWS में बढ़ा दीजिए 7-8 नंबर, फिर OBC में बढ़ा दीजिए। SC की वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे परसेंटेज और जो आपका मार्क्स एग्रीगेट रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और 129 पे गया है E-Dozier के लिए, तो आप यहाँ लगा के चलिए 135-137 इतना यहाँ तक जाएगा। ST के लिए 136 E-Dozier पे गया है, तो यहाँ पे भी 5-7 नंबर बढ़ा लीजिए, 141-142 के आसपास रहेगा। बाकी आपका ये रिजल्ट हो सकता है कि एक महीने में डाल दें, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स डालेंगे। तो मेरा जो पर्पज़ है वो, मैं प्रीवियस कट ऑफ के बिहाफ पे ये चीज़ बोल रही हूँ कि उस टाइम पे जो, और ये आज से 4-5 साल पहले की जो, मतलब 4-5 भी मैंने कम बोला, उससे भी ज़्यादा, जब कंपटीशन कम था आज के कंपैरिजन में। आज जब आपने पेपर दिया है 2021 में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, और जो आपने कट ऑफ देखी होगी वो भी बहुत बहुत मार्क्स आए, 150 प्लस मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट के, तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। लेकिन मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, UR के लिए अगर आपके 192-193 हैं तो UR 100% सेफ एंड UR सेलेक्टेड 100%। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अदर ग्रुप्स में, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।